महाभारत ग्रंथ के आधार पर महाभारत युद्ध काल के पूर्व ही ध्यान दीजिएगा, महाभारत युद्ध काल के पूर्व ही सुखदेव जी महाराज का देहावसान हो चुका है। ये जो वेदव्यास जी महाराज के सुपुत्र हैं उनका, और श्री योग वासिष्ठ के आधार पर, योग वासिष्ठ के आधार पर, योग वासिष्ठ के जो सुखदेव है वो गृहस्थ है, उनके बच्चे भी हुए और वो हिमालय में जाकर उन्होंने साधना की, फिर हिमालय में उन्होंने अपना शरीर भी छोड़ दिया। तो निश्चित रूप से जो श्रीमद् भागवत महापुराण के सुखदेव हैं ये भगवान ही सुखदेव बनकर के आ गए। और दूसरी बात ये है कि महापुरुष कभी जाते नहीं हैं, वह किसी न किसी रूप में रहते ही हैं और साधकों का कल्याण करते रहते हैं। जब योग अधिकारी मिलता है तो प्रकट हो जाते। हमारे वृंदावन में एक सज्जन ने बताया, हमने सुना यहाँ कई बार वो घटना, महाराज एक सज्जन को महाराज जी जंगल में मिल गए। महाराज जी का जब लीला विग्रह पूरा हो गया उसके बाद वृक्ष के नीचे लेटे थे और उन्होंने प्रश्नोत्तर किए उनसे, और प्रश्नोत्तर करके महाराज जी ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, और बाद में उनको ध्यान आया कि महाराज जी का तो शिव विग्रह है ही नहीं, और शिव विग्रह नहीं है या सोच करके महाराज जो किया तब तक महाराज जी का दर्शन लापता था। तो ये महापुरुषों का, इसलिए जो आराधना होती है ध्यान दीजिएगा, आराधना प्रत्यक्ष मानकर होती है कि हमारे सामने हमारे इष्ट हैं। गोपियों ने गोपी गीत की आराधना की तो ये थोड़ी मानकर कि ठाकुर जी कहीं दूर छुपे हैं, हमारी ठाकुर जी बात सुन रहे, एक एक वाक्य हमारे सुन रहे हैं। आराधना इस भाव से होगी तभी तो आराधना सफल होगी। तो महापुरुष कभी जाते नहीं हैं, महापुरुष सदा सर्वदा हाजिर हुजूर ही रहते हैं, और जो अधिकारी मिलते हैं उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। हमको तो कई लोग ऐसे मिले हैं महाराज जी के श्री परिकर में जिनको महाराज जी की प्रत्यक्ष अनुभूतियाँ हुई है, प्रत्यक्ष अनुभूतियाँ। एक दो लोग तो ऐसे भी मिले महाराज, उन्होंने एकदम स्पष्ट बताया कि हम सीढ़ी में चढ़ रहे हैं और महाराज जी मिल गए। अब वो प्रमाणिक लोग हैं तो उनकी प्रमाणिकता को हम नकार भी नहीं सकते। तो एक तो महापुरुष जाते नहीं है तो प्रकट हो गए, अथवा साक्षात भगवान ही करुणा करके कृपा करके गुरुदेव बन करके प्रकट हो गए। और सच कहें गुरुदेव और भगवान में कोई न्यूनाधिक नहीं होता, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर छोटा बड़ा होता तो भक्तमालकार भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक ये गुनगुनाते नहीं। ये महाराज चारों एक ही हैं, केवल नाम अलग अलग है और कोई बात नहीं है। तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए और क्या सुंदर विग्रह है श्री सुखदेव जी महाराज का। 16 साल की अवस्था है, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, और महाराज वक्ता में जितने लक्षण, वक्ता में पंच बकार चाहिए, एक बकार छोड़कर सब बकार हैं। एक हमारे महात्मा कहते थे वक्ता एक तो महाराज बपुषा शरीर से ठीक हो, नहीं तो अगर वक्ता शरीर से ठीक नहीं होगा ना तो हमारे पूज्य जस स्वामी जी महाराज सुनाते थे, किसी सत्संग में भेज दिया किसी ने तो महात्मा ठीक नहीं थे, तो कहा कि जब आए तो बोले क्या सत्संग करे, बोले कहाँ भेज दिया, स्वाद ही खराब हो गया। तो वक्ता बपू से ठीक हो, वस्त्र ठीक हो, वाणी ठीक हो, वाणी का स्वर का उच्चारण यदि ठीक ना हो तो कैसे समझ में आएगा। तो सभी महाराज स्वरूप से सुंदर थे, ये सर्वांगीण सुंदर थे, सुंदर केश पास महाराज इनके थे, बड़ी बड़ी भुजाएं थी, और जिस स्त्री नाम मनोज्ञम रुचिरस स्मृतेन। एक बात कहें, सुखदेव जी महाराज बहुत ज्यादा गंभीर नहीं थे,
गंभीर माने कि बोले ही नहीं या किसी की तरफ देखे ही नहीं, थोड़ा रुचिरस मुतेन मुस्कराते भी थे। और ये जो इनकी मुस्कान थी, ये मुस्कान स्त्रियों के मन को हरण करने वाली थी, इसलिए इनके साथ स्त्रियां भी लगी हुई थी, बालक भी लगे हुए थे। और जब ये सभा में आए महाराज, सब लोग खड़े होकर के स्वागत करने लगे तो बच्चों को लगा तो बाबा जी बड़ा चमत्कारी है। अभी देखो हम लोग तो पीछे पीछे बाबा जी करके लगे थे, तो बालक लौट गए, स्त्रियां लौट गईं और ये सभा में सभापति बन करके मानो बैठ गए। परीक्षित ने उनको निहार करके कहा, आज मैं धन्य हो गया, अहो अद्य वयम ब्रह्मन् सत्सेव्या छत्रबंधवः। वैसे तो मैं अधम छत्री हूँ, किंतु आपके आने से अतिथि रूप आप आए हैं। आपके आने की कोई तिथि तो थी नहीं, कोई निश्चय थोड़ी था कि आप आएंगे, आपने आ करके मुझे धन्य कर दिया है। और कहा कि महाराज आप कृपा करके बताइए, अतः प्रक्षामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। पुरुष का क्या कर्तव्य अथवा म्रियमाण व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, क्या कीर्तन करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, क्या भजन करना चाहिए। भजनीयम शब्द का जो प्रयोग है वह भजन के अर्थ में तो है, किंतु भज सेवायाम से सेवा अर्थ भी है, कैसे कौन सी सेवा करनी चाहिए, आप कृपा करके बताएं, अथवा इससे कोई दूसरा रास्ता भी हो। वैसे तो मैं भाग्यशाली हूँ, हमारे एक महात्मा वो पूज्य श्री वामदेव जी महाराज विरक्त शिरोमणि, कई बार मैं पढ़ने भी जाता था, बैठ जाता था पाठ में, एक बार बैठे थे तो हमारे पूज्य श्री सर्वेश्वर भक्तमाली जी महाराज को कुछ पढ़ा रहे थे माली, मैं भी वहाँ बैठा था। महाराज जी ने कहा कि भाग्यशाली हो कि महात्मा बन गए हो, और कोई दूसरा पीठ ठोकने वाला ना हो तो अपने आप ठोक लेना चाहिए कि जंजाल से निकल गए जी। तो कोई दूसरा प्रशंसा करने वाला भला भले ही ना हो, किंतु परीक्षित जी अपने भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं कि आज हम बड़े भाग्यशाली हैं, आप जैसे महात्मा के दर्शन हो गए। नूनम भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेदी नाम, घर गृहस्थी में फंसे हुए व्यक्ति के लिए आप जैसा महाराज वक्ता कहाँ से मिलेगा, संत कहाँ मिलेगा दर्शन के लिए। हम तो महाराज आप तो जाते भी हो कहीं, तो गोदोहन समय के लिए जाते हो, आपने कृपा की है। और ये महिमा गा रहे थे तब तक हमारे सुखदेव जी महाराज ने प्रश्न की प्रशंसा की और कहा कि तुम्हारा प्रश्न लोक हित में है, बड़ा सुंदर प्रश्न तुमने पूछा है राजेंद्र। दुनिया में सुनने लायक बातें तो हजारों हैं, किंतु महाराज क्या क्या सुनोगे। जिंदगी हमारी नींद में बीत जाती है, काम धंधे में बीत जाती है, और मौत आ जाती है, कुटुंब के भरण पोषण में हम लगे रहते हैं। अरे कहाँ तक नारायण कहें, तेसाम प्रमत्तो निधनम पश्यन नपि न पश्यति। हम लोग ऐसे प्रमत्त हो गए, ऐसे नशे में हो गए कि महाराज मौत आकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती तब भी हम देख नहीं पाते। वैसे तो रोज यात्रा इस शरीर की हमारी नहीं जी, अपने राम तो कभी मरने वाले हैं ही नहीं, ये जो शरीर है हमारा इसकी यात्रा तो सड़न की ओर ही है, क्योंकि तो बना है तो बिगड़ेगा निश्चित ही, ये तो बिगड़ने की ओर ही बढ़ रहा है। किंतु इतना राग आदि से ग्रसित हो जाते हैं पता नहीं चलता है, इसलिए सावधान होकर के तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। हे भारत, भारत का अभिप्राय होता है जिसकी ज्ञान में रति है, ज्ञान में जिसकी प्रीति है, उसके लिए संबोधन दिया गया हे भारत। इसलिए जो सर्वात्मा भगवान है, ईश्वर है, हरि है, उसका श्रवण करो, उसी का कीर्तन करो और नारायण उसी का स्मरण करो। अब दुनिया का स्मरण करने की जरूरत नहीं है, दुनिया का कीर्तन करने की जरूरत नहीं है, और दुनिया की बात सुनने की जरूरत नहीं है, बहुत सुन लिया, अब केवल ठाकुर का चरित्र सुनो।
और भैया जन्म का कारण आप ये है कि अनंत के समय नारायण की स्मृति आए, नारायण स्मृति। आप सोचते हो कि कौन हमें आना चाहिए, आ जाए अभी परिवारों की स्थिति का चिंतन कर ले सबका। जो दिन में चिंतन किया जाता है वो रात्रि में स्वप्न रंगता आता है, और जो जिंदगी में चिंतन किया जाता है वही मौत के समय स्मरण बनता आता है। मौत के समय स्मरण बन करके आता है। अजमेर पैर में थोड़ी देर में सो गया तो देखा क्या कि एक हमारे शिष्य ने हमको कथा के लिए बुलाया है, स्वप्न देख रहा था, मध्य प्रदेश में ब्राह्मण है, और कहा कि महात्माओं को लेकर आओ, तो हम कई महात्माओं को लेकर गए, स्वामी हंसानंद जी महाराज को भी लेके गए स्वप्न में, जिनकी सेवा में रहा। किंतु महाराज सुबह पहुंचे, शाम तक वो पूछने तक नहीं आया कि दूध चाय मिली कि नहीं स्वप्न में। शाम को जब कथा का समय हुआ प्रवचन का, तो कहा ले चलो, तो मैं बरस पड़ा उसके ऊपर कि मूर्ख कहीं के तुम महात्माओं को बुलाकर अपमान कर रहे हो, तुमको कहीं स्थान नहीं मिलेगा। जो बरसा तो नींद खुल गई, तो देखा कि 2:15 बज गया है, तो हमने कहा अब तो भागना है। मैं सोचा ऐसा तो कोई चिंतन था नहीं, बात कहाँ से आ गई। तो मैं कई बार देखता रहता हूँ चित्त का कि कोई अपना अपमान करे तो कष्ट नहीं होता, गुरुजनों का कोई अपमान करे तो बड़ा कष्ट होता है, तो चिंतन में रहता है वो बात। देखो स्वप्न स्तर तक पहुंच गया, तो जो चिंतन में रहता है वो स्वप्न स्तर तक पहुंच जाता है, वही जीवन में जो व्यवहार में रहता है वो मौत के समय स्मरण के रूप में पहुंच जाता है। तो कहा इसलिए व्यक्ति को भगवान की लीला आदि का कथा आदि का श्रवण करना चाहिए। मैं भी वैसे निर्गुण में रमण करने वाला था, किंतु मैंने अपने पिता से गुणानुवाद जो हरि के महाराज सुने तो आकर के रमण करने लगा। अधीतवान द्वापरादौ, मैंने द्वापर के आदि में अर्थात कलयुग के प्रारंभ में हमने पढ़ा सुना। क्यों सुना? बोले गृहित चेता राजर्षे। अरे हमारे चित्त को गृहित कर लिया इस कथा ने। अरे भाई जिस चित्त को हमने बढ़िया बात कही, बोले वेदांती लोग तो चित्त को बाधित कर देते, चित्त है ही नहीं। अब जो चित्त है ही नहीं है वो ठाकुर जी की लीला में चपक जाए, लग जाए, तो इससे बढ़िया और क्या है। उधर लग गया चित्त, तो कहा उधर हमारा चित्त लग गया। और बोले भाई देखो अब समय की परवाह मत करो कि तुम्हारे पास समय कम है, कटवांग राजा ने तो एक मुहूर्त में काम बना लिया था। और इन्होंने नारायण शीघ्र भगवत प्राप्ति की साधन की दशा में बताया, आसनजित बनो, श्वासजित बनो, संगजित बनो, इंद्रीजित बनो। एक आसन में बैठने का अभ्यास, श्वासों पर अनुशासन, और संग का बहुत ध्यान देना है। हम तो महाराज कई बार अनुभव करते हैं कि अगर संतों का संग मिलता है तो जितनी सामग्री अपने पास में होती वो ज़्यादा लगती है संतों के संग से, और संसारियों के संग में जाने से अपनी सामग्री कम लगती है। संसारी तुमको अभाव से भर देंगे और संत तुम्हें भाव से भर देंगे। संसारियों के पास जाओगे तो सोचोगे अरे भाई उनका घर ऐसा है, हमारा भी होना चाहिए, अभाव हुआ कि नहीं हुआ, उनको इतना इतना पहनते हमको भी पहनने को चाहिए। तो संसारियों से मिलन हमको दरिद्र बनाता है और संतों का मिलन हमको सहनशाह बनाता है। लगता है अरे इतनी सामग्री हमारे पास है, किसी के पास नहीं, ये भी ज़्यादा है, वो तो दो कपड़े में काम चलाते हैं, अपने पास तो बहुत हो गए हैं, ज़्यादा लगने लगता है। इसलिए संग का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए संग जित बनना, संग जित का अभिप्राय जिधर आपको जाना है वैसे लोगों का संग करो। अगर आपको भगवान की ओर बढ़ना है तो जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं उनका संग करो। और नारायण इंद्रियों पर भी विजय बहुत आवश्यक है। इंद्रियों की गुलामी न हो हमारे जीवन में कि जो जो मांगे महाराज वो दें। अभी हमारी पिछली कथा 6 तारीख को पूरी हुई ना, तो कई बच्चे आए थे, वो कथा में नहीं बैठते थे,
वो बिहारी जी की गली में बैठते थे। हमने पूछा बिहारी जी की गली में क्यों बैठे थे, बोले वहाँ लस्सी मिलती है ना। हमको लगा हे भगवान, अब जीव के चटोरी पना इतना हो गया कि लस्सी पीनी है तो बिहारी जी की गली में बैठो। ये इंद्रियां हमको बजारू बनाती हैं। अगर इंद्रियों की गुलामता हमारे जीवन में आएगी तो हम बजारू हो जाएंगे। और अपने को बाबू बजारू मत बनाओ भाई, इंद्रिय संयम चाहिए, बोलने में, सुनने में, प्रसाद आदि पाने में भी। ये नहीं कि जो मिला सो पा लिया, जो मन में आया सो बोल दिया, जो मन में आया सो देख लिया, ये नहीं। इंद्रिय संयम परम आवश्यक है। बाद में का ये सारा का सारा स्थूल जगत जो भी दिख रहा है, ये भगवान का ही स्वरूप है। और इसमें बड़ा सुंदर इन्होंने बताया, सात लोक नीचे सात लोक ऊपर के, तो आप चिंतन करो कमर के नीचे के जो भाग हैं पैरों से चालू करो तो पाताल भगवान के पाद मूल है, तलवा है। और प्रणिपद भगवान का महाराज रसातल है, महातल भगवान का क्या है गुल्प है, तलातल भगवान की जंगा है। ऐसे महाराज नीचे के सात लोक, ऊपर के सात लोक। और ये भी बताया या वर्णन किया, जितने पहाड़ हैं भगवान की हड्डियां हैं, जितने वृक्ष हैं भगवान के रोमे हैं, ये मेघ भगवान के बाल हैं। बड़ा दिव्य वर्णन किया। इस प्रकार से अपनी दृष्टि को व्यापक करो भगवत रूप में। बाद में कहा कि स्थूले भगवते रूपे मनस संधारये धिया। जब आपकी दृष्टि व्यापक हो जाए तो अपने हृदय में अंगुष्ठ के बराबर चिंतन करो। सुखदेव जी महाराज ने तो साधकों के लिए बड़ी क्रांतिकारी बात कही, कहा कि पैसे वाले लोगों के पीछे भागो मत, अगर भागना है तो विरक्तों के पीछे भागो, क्योंकि भगवान सब व्यवस्था करने वाले हमारे हैं। कस्माद भजन्ति कवयो धन दुर्मदान धान। बाद में नारायण इन्होंने करुणा करके कृपा करके अलग अलग ढंग की आराधना वाले व्यक्ति को आराधना का क्रम और भी बताया है। जैसे किसी को वेद का ज्ञान चाहिए तो बृहस्पति की आराधना कर लो, और लक्ष्मी जी चाहिए ज़्यादा श्रीदेवी, श्रीदेवी जानते हो कि नहीं, अगर श्रीदेवी की मिलने की इच्छा हो तो फिर क्या करें, बोले श्रीदेवी की आराधना करो, देवी मायाम तो श्री काम। और बात बताई, कहा कि और यदि आपके जीवन विद्वान बनने का मन है तो भगवान शंकर की आराधना करो, विद्या कामस्तु गिरिशम। घर में झगड़ा न हो इसके लिए भगवती पार्वती की आराधना करो। और बाद में नारायण कहते हैं आपको जो भी चाहिए, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार धीहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। आप अकाम हो या सर्व काम हो अथवा मोक्ष काम हो तो आप परमात्मा की आराधना करो। एक ही साधे सब सधे सब साधे सब जाए। रोज रोज इष्ट नहीं बदलना चाहिए, ये मंत्र भी नहीं बदलना चाहिए। अपना इष्ट, अपना मंत्र, अपना गुरु, अपनी माला, अपना आसन एक ही रखना चाहिए।